व्हेन यू आर इन योर हेड यू आर डेड। मेरे एक मेंटर थे जो ये कोट बहुत बार यूज़ करते थे ये बताने के लिए कि क्यों समटाइम ज़्यादा प्रिपेयर करना भी आपकी स्टोरी टेलिंग को अफेक्ट कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक मेरा एक्सपीरियंस और चार ऐसे रीज़न जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा भी प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। बाय द वे, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल पे सैकड़ों वीडियो हैं जो कि स्टोरी टेलिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन और रिलेटेड एरिया से बने हुए हैं। तो इफ़ यू सब्सक्राइब, इट विल रियली हेल्प मी अलॉट एंड ऑल्सो आई एम वेरी श्योर कि आपको इन वीडियो से बहुत वैल्यू मिलने वाली है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वॉट इज दिस ऑल अबाउट एंड वॉट कॉन्सेप्ट आई एम गोइंग टू टेल यू। सो वॉट हैपेंड इज कि लास्ट वीक I went to Moth Storytelling, and by the way, I am recording this video on 18th of June. So last week, I went to a place called London Moth Story Slam, जहाँ पे there are people who come, and उसमें से करीब there were like 150 to 200 people, and there are some volunteers जो कि अपना नाम डालते हैं story बोलने के लिए, and उनका नाम randomly pick होता है, and then they get a chance to speak. So being a storytelling coach, I had to lead by the front. तो मैंने भी अपना नाम डाला था and I got the chance to speak there as the fifth speaker. What was amazing is कि मुझे nobody knew me beforehand and that was my exercise to push me out of my comfort zone. But what felt great was कि जब मैंने अपना story ख़त्म किया, there were many people who came and said no, you were good, I liked your speech, I like the humor, which was surprising. And so many other things, many people could correlate because it was about a time when I talked कि मैंने अपने पहले कॉर्पोरेट पहली जॉब में अपने पहले बिग प्रेजेंटेशन में कैसा मैसअप किया था। तो पीपल लव दैट एंड दे कुड कोरिलेट। बट मेरे बगल में एक अंग्रेज बैठा हुआ था एंड ही आस्क्ड मी दैट हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस वन, कितनी दिनों से कितने महीनों से आप इसकी तैयारी कर रहे थे। And I had frankly no answer because agar if I say I was not preparing for this at all. In fact, kuch ghante pehle maine thoda socha ki main ye wali story bolunga, then I started to put the structure. But I have been preparing for public speaking for over a decade. Ek dashak se main public speaking pe research kar raha hoon, apne aap ki practice kar raha hoon, logon ko sikha raha hoon, लोगों को मेंटर कर रहा हूँ, लोगों से मेंटर हो रहा हूँ, कोच हो रहा हूँ। सो आई हैव बीन प्रिपेयरिंग दिस फॉर 10 years बट नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर स्पीच एंड दैट लेड टू मी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आज कहना चाहता हूँ, क्योंकि देर आर पीपल हु आर नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड। एंड इस वीडियो का पर्पस ये नहीं कि बोलूँ, मैं आपको बोलूँ कि आप प्रिपेयर बिल्कुल मत करो, नॉट एट ऑल। यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड, यू मस्ट नो वॉट यू गोइंग टू टॉक अबाउट, but at the same time do not be over mechanical. And I'll tell you what happens is ki aap agar word by word memorize kar rahe ho, agar aap word by word expression by expression karte ho, to there are 4 things that happen which is not good as a storyteller. I'm telling you very frankly. So number 1 is ki you are too much in your head, like the quote I said at the start of the video, when you're too much in your head you are dead. So agar aap ek word ya phrase, एक एक वर्ड और एक एक फ्रेज याद कर रहे हो, इफ़ यू फॉरगेट वन पार्ट यू ट्राई टू गो बैक टू द स्टार्ट बट योर ऑडियंस डजंट वांट टू गो बैक टू द स्टार्ट एंड देयर इज अ बिग डिसकनेक्ट एंड दैट क्रिएट्स टेंशन एंड प्रेशर ऑन यू एंड देन यू फॉरगेट मोर। सो आई ऑलवेज से दैट डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फ्रेज और वर्ड्स, मे बी यू शुड राइट इट बट डोंट रिमेंबर, ट्राई टू रिमेंबर द एसेंस एंड द की वर्ड्स एंड फ्रेजेस। Number 2, which was very very important, is when you are over prepared, you can't improvise on the spot, on the flow. So what happened when I went there, I talked about, oh, I'm an Indian and I'm an engineer, and people started laughing because yeah, if you are Indian and you are engineer, that's not a surprise. So that allowed me to take a breather, and then I said a few more lines which made it more humorous. Now, if I was going with a script,
मैं ऑन द स्पॉट पॉज नहीं कर पाता, मैं ऑन द स्पॉट कुछ और वर्ड्स, कुछ और सेंटेंसेस, फ्रेजेस नहीं यूज़ कर पाता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ़ यू आर एबल टू इम्प्रोवाइज ऑन द स्पॉट बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट कि कौन है कैसे है, इट विल रियली किल, एज यू से यू विल किल इट, यू एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बोलोगे और लोग उसको याद करेंगे। नंबर 3 इज यू डोंट लेट द ऑडियंस ब्रीथ, बिकॉज आपने तो बस वो रट्टा मार रखा है और आपको वहाँ पे निकाल देना है, यू नॉट पॉजिंग फॉर पीपल टू थिंक, यू नॉट पॉजिंग फॉर पीपल टू एक्सपीरियंस द ह्यूमर एंड लाफ एंड हैविंग फन विथ इट। यू नो व्हाट्स बेस्ट इज व्हेन यू सी योर ऑडियंस लाफ एंड यू ऑल्सो टेक अ मोमेंट, यू ऑल्सो हैव फन, बिकम्स ऑल द वे अमेजिंग एक्सपीरियंस। So the third reason why you shouldn't over prepare and just don't do ratta is because you don't let your audience breathe and experience the pause and laughter and reflection. And number 4, the most important thing is a lot of time when you are over prepared, you don't feel like vulnerable. You don't, people sense that ki aap kuch zyada hi ratta hua hai, matlab ki ye shayad iski apni story nahi hai. Because if you're sharing your story, true story, there are chances that you will get emotional, you'll get hysterical, you'll get angry. But if you're not taking those pauses, if you're not feeling those, like great stories are not told, they are relived. If you're not reliving the story, your audience will also not relive those stories. So those are the 4 reasons. इसीलिए I had this thought and I thought I will share that with you, that if you are too much in your head, then your audience will know and they will, you will not have time to have every word or phrase, or एक भी इधर उधर हो गया, you'll have to restart. Number 2 is you can't improvise on the flow because you are very much in this and I can't go beyond, and you don't let your audience breathe, so there is no pauses, there is no laughter, there is no emotion feeling. And number 4, people can sense when you are not showing your true vulnerability, which means that you are not reliving story. So what are your thoughts when it comes to over preparing? I would love to know that, and please put your comments in the video, and if you like this video, share it with others who can also enjoy the learning. As I say every time, until next time, keep learning, keep growing, and keep going out of your comfort zone. This is Coach Aritosh Srivastava. I'll see you in the next video.